बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। श्रीसंत के कैप्टन बनने से पहले और उनके कैप्टन बनने के बाद सारे घर वाले श्रीसंत के फेवर में थे, लेकिन अब श्रीसंत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद सारे घर वाले हो गए हैं श्रीसंत के खिलाफ। नॉट इवन खिलाफ, लेकिन श्रीसंत का तो हो गया है झगड़ा रोमिल चौधरी के साथ, और इस बार जो झगड़ा हुआ ये बहुत बड़ा रहा। दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बिग बॉस ने घर वालों को वो काम दोबारा से सौंप दिया है, मतलब घर से बेघर होने के लिए सदस्यों का चुनाव करना। और इसी प्रक्रिया के दौरान बिग बॉस ने कैप्टन होने के नाते श्रीसंत को दी है स्पेशल पावर, और इस प्रक्रिया में उन्होंने पूरे के पूरे हैप्पी क्लब को नॉमिनेट कर दिया, जिस वजह से हैप्पी क्लब के लीडर रोमिल चौधरी हो गए हैं नाराज श्रीसंत से, और उनका हो गया है झगड़ा उनसे। उन्होंने कहा ये जो क्रिकेट है ना, आप ये क्रिकेट ग्राउंड में खेलें, रिश्तों के साथ ना खेलें। और इसमें श्रीसंत कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, बस वही उनका पुराना वाला आदत ना रिएक्ट करना, बस बेबी बेबी करते रहना। इस दौरान उन्होंने बेबी तो बोला नहीं, लेकिन रोमिल को देख कर दो चार किसे जरूर दिए, और उन्होंने भी उनकी तरह किस करते हुए कहा कि भाई ये तो हमने भी किया है और तेरे जैसे लोगों को तो बहुत किया है, मुझे मत करके दिखाइए। आपको क्या लगता है, आपने सही किया दीपक का नाम लेकर? बिल्कुल भी नहीं, इसी दिन के लिए आपके पीछे घुमा करता था कि आप उसे नॉमिनेट कर दो। वाकई बहुत गलत किया आपने। श्रीसंत इसमें काफी इरिटेट हो जाते हैं और रोमिल से कहते हैं तू अपना देख, दूसरों का बाद में देखना। तो रोमिल उनसे कहते हैं अपना देख लिया है मैंने, और तेरे को भी पता है कि मेरा क्या होना है और मुझे भी पता है कि मेरा क्या होना है। अपना देख भाई, तेरा क्या होगा? देखो पता है श्रीसंत, तेरे पल्ले कुछ नहीं है, कख भी नहीं, इतना दाना भी नहीं है तेरे पल्ले। श्रीसंत इस दौरान ज्यादा कुछ रिएक्ट तो करते नहीं, बस ये कहते हैं और कुछ। तो रोमिल कहते हैं और कुछ, और कुछ के तो लायक भी नहीं है तू। और इस तरह से इनका ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और ये झगड़ा तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई इस घर से बेघर ना हो जाए। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।